नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे इस चैनल अल्ट्रा हील होम्योपैथी में। मैं डॉक्टर आरती पाठक और आज मैं आपसे डिस्कस करूंगी क्रॉनिक डायरिया और इसका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट और होम्योपैथिक पर्सपेक्टिव क्या है। अगर आपको 3 या 3 बार से ज़्यादा रोज़ाना लूज स्टूल पास हो रहे हैं और ये लगातार 4 या 4 हफ्तों से ज़्यादा टाइम हो चुका है तो आप क्रॉनिक डायरिया की कैटेगरी में आते हैं और आपको तुरंत इसका इलाज करवाना है। अब जान लेते हैं कि इसके क्रॉनिक डायरिया के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉजेज़ हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले आता है इन्फ्लेमेटरी बाउल सिंड्रोम और इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज़। इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज़ में क्रॉन्स डिसीज़ और अल्सरेटिव कोलाइटिस ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज हैं क्रॉनिक डायरिया के। नेक्स्ट आ जाता है इन्फेक्शियस कॉज। इन्फेक्शियस कॉज ऑफ क्रॉनिक डायरिया आर अमीबाइसिस, साल्मोनेला इन्फेक्शन, विब्रियो कॉलरा इन्फेक्शन एंड गियारडियासिस इन्फेक्शन। नेक्स्ट आता है एंडोक्राइन डिसऑर्डर। एंडोक्राइन डिसऑर्डर में हाइपरथायरॉयडिज्म इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ क्रॉनिक डायरिया। नेक्स्ट इज इनटेक ऑफ मेडिसन्स। अगर आप बहुत ज़्यादा किसी बीमारी के लिए मेडिसन्स ले रहे हैं तो भी आपको क्रॉनिक डायरिया हो सकता है। अगर आपको गैस्ट्रोएंटेराइटिस है, क्रॉनिक गैस्ट्रोएंटेराइटिस है या स्मॉल इंटेस्टाइन में बैक्टीरियल ओवरग्रोथ है जिसको स्मॉल इंटेस्टिनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ सिंड्रोम बोलते हैं तो भी आपको क्रॉनिक डायरिया हो सकता है। अब नेक्स्ट आते हैं हम फूड इंटॉलरेंस एंड सेंसिटिविटी में। इसमें सीलिएक डिसीज़ और लैक्टोज इंटॉलरेंस ये इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको वीट खाने से एलर्जी है या आपको वीट खाते ही डायरिया हो जाता है तो आपको सीलिएक डिसीज़ है। अगर आपको दूध पीने से डायरिया हो जाता है तो आपको लैक्टोज इंटॉलरेंस है। कई बार पेशेंट बोलते हैं कि हमको एप्पल खाने से डायरिया हो जाता है तो ये फूड इंटॉलरेंस और सेंसिटिविटी की कैटेगरी में आता है। कई बार अगर क्रॉनिक स्किन इरप्शंस है जैसे में क्रॉनिक अर्टिकेरिया अगर पेशेंट को है तो भी आपको क्रॉनिक डायरिया हो सकता है। तो ये कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉजेज़ हैं क्रॉनिक डायरिया के। और आप ये जान लेते हैं कि इसके लिए आपको क्या क्या टेस्ट कराने ज़रूरी हैं। अब इसमें फर्स्ट हो जाता है आपका, आपको कंप्लीट ब्लड काउंट कराना है। इसमें आपको ESR, TLC, DLC और हीमोग्लोबिन लेवल ये सारे आ जाते हैं। नेक्स्ट इज़ इलेक्ट्रोलाइट काउंट। अब इलेक्ट्रोलाइट काउंट के बाद आता है आपका लैक्टोज इंटॉलरेंस एंड ग्लूकोज इंटॉलरेंस टेस्ट, HPLRI टेस्ट फॉर डिटेक्शन ऑफ अल्सर्स इन द स्टमक। अब किडनी फंक्शन टेस्ट और लिवर फंक्शन टेस्ट ये भी कराना इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है अगर आपको क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज़ है, अल्सरेटिव कोलाइटिस या क्रॉन्स डिसीज़ है तो सिग्मोइडोस्कोपी और कोलोनोस्कोपी कराना इम्पॉर्टेंट है। पर वो इनिशियल स्टेजेस के लिए है, इनिशियल स्टेजेस में कराने की ज़रूरत नहीं है इस टेस्ट को कराने की। अब हमने ये जानकारी ली कि उसका क्रॉनिक डायरिया के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉजेज़ क्या क्या हैं। अब इसके लिए पेशेंट को टेस्ट क्या क्या कौन कौन से कराने ज़रूरी हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसके ट्रीटमेंट की। तो होम्योपैथी में इसका बहुत ही सफल इलाज है। अगर पेशेंट को क्रॉनिक डायरिया है तो वो अपना ट्रीटमेंट होम्योपैथी से करवा सकते हैं। तो इसमें जो पेशेंट का जो रूट कॉज है डिसीज़ का वो जड़ से ख़त्म होता है। होम्योपैथी में जो इलाज है वो पूरा जो है जड़ से ख़त्म होता है और पेशेंट कंप्लीट ट्रीटमेंट होता है, पेशेंट कंप्लीट क्योर होता है। तो अगर आपको होम्योपैथी से ट्रीटमेंट कराना है तो आप अपनी जो जानकारी है वो फुल डिटेल्स में आप अपने डॉक्टर से शेयर करें। उसमें है आपका कैरेक्टर ऑफ स्टूल, ये देखना है कि स्टूल का कैरेक्टर कैसा है, स्टूल वाटरी है या फैटी स्टूल है या ब्लड तो नहीं है स्टूल में, तो ये जानकारी देना ज़रूरी है। उसके साथ साथ आपको ये देखना है कि स्टूल पास करते टाइम दर्द तो नहीं है, बहुत ज़्यादा पेन तो नहीं हो रहा है या पेट में जलन तो नहीं है, ये ज़रूरी है। अब इसमें टाइम ऑफ डायरिया कौन सा है, मॉर्निंग सुबह उठते के साथ ही डायरिया है या कुछ भी खाते ही डायरिया हो जाता है या डायरिया शाम के वक्त है, तो ये डिटेल देना ज़रूरी है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं कि आपको वेट लॉस तो नहीं हो रहा है और वीकनेस तो नहीं है, तो अगर बहुत ज़्यादा वेट लॉस हो रहा है और बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली वीकनेस हो रही है तो ये इम्पॉर्टेंट है आपको जानकारी शेयर करना। अब नेक्स्ट आ जाता है कोई इमोशनल स्ट्रेस तो नहीं है, कोई स्ट्रेस की हिस्ट्री तो नहीं है आपको, अगर इमोशनल स्ट्रेस है तो भी आपको क्रॉनिक डायरिया हो सकता है, तो ये जानकारी पूरा आपको डॉक्टर को अपने देना है। अब आप जाते हैं हम कोई सिस्टमिक सिम्टम्स तो नहीं है, जैसे फीवर तो नहीं है या जॉइंट कंप्लेंट्स तो नहीं है या अर्टिकेरिया तो नहीं है, और उसके साथ अगर पेशेंट को बहुत ज़्यादा ठंड लगती है या गर्मी लगती है और बहुत ज़्यादा आपको उसको वीकनेस फील होती है तो ये कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स हैं, और या अपेटाइट उसकी कैसी है
एपेटाइट बहुत ज़्यादा कम हो गई है या कुछ भी खाने को मन नहीं करता है या पेट में डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हैं, जैसे बहुत ज़्यादा पेट में गैस बनती है या जलन बनती है और उसको कुछ भी खाने को मन नहीं करता है, तो ये सारी डिटेल्स जो हैं वो होम्योपैथिक प्रिस्क्रिप्शन के लिए इम्पॉर्टेंट हैं और यह पूरी डिटेल्स और जानकारी आपको डॉक्टर को देना ज़रूरी है। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी जो पैथोलॉजी है वो एडवांस ना हो और कोई कॉम्प्लिकेशन ना आए और मोस्ट इफ़ेक्टिव और सेफली आप ट्रीट हो जाए और बाकी जो अगर बीमारियां हैं पेशेंट की तो वो भी ठीक हो जाए और कंप्लीट हेल्थ जो है रिस्टोर हो जाए, तो आप अपना इलाज जो है वो होम्योपैथी से करवाएं। अगर आप मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप मुझसे ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, और आप मेरी वेबसाइट पर भी विज़िट करते हैं कर सकते हैं। तो आपको ये जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो आप मेरे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। मेरे कमेंट बॉक्स में आप अपने सजेशंस और अपने कमेंट्स लिख सकते हैं। तो अगर आपको ये मेरा ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच।